हाय एवरीवन, लास्ट में हमने स्ट्रिंग कंप्लीट किए हैं। मतलब स्ट्रिंग में हमने हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किया था और उसी टॉपिक को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट में हमने स्ट्रिंग में हमने कवर किया था हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आई होप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले स्ट्रिंग वाली वीडियो को कवर कीजिए, यह उसी पार्ट से रिलेटेड कंटिन्यू टॉपिक है। लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। यहाँ तक हमने कर चुके थे कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग हमारे एंड कहाँ पे होती है। स्ट्रिंग हमेशा एंड होती है मेरे नल पे। तो बेसिकली आप अगर स्ट्रिंग की कोई भी लेंथ फाइंड करनी थी तो पहले हमने यू से स्ट्रिंग डलवाई थी और नाई इक्वल टू जीरो एंड एस आई का मतलब, क्योंकि बेसिकली स्ट्रिंग होती है हमारे एरे के फॉर्म में स्टोर होती है, तो हमारी हम इसे एरे में जब तक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं जब तक उसे मुझे नल नहीं मिल जाता। इस तरीके से हमने ये लास्ट में हमें स्ट्रिंग में टॉपिक कवर किया था। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लेंथ फाइंड की थी, ये हमने किया था विद द लॉजिक। बट अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लाइब्रेरी तो मुझे लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, ऑलरेडी प्री डिफाइंड बना हुआ है फंक्शन है, ये बना हुआ है किसके अंदर है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी का। तो बहुत सारे फंक्शन हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर, हम उन्हें कॉल कर सकते हैं और देन हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसा हमने इसमें कराया लास्ट में ये वाले बताया था, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे आज। कैर ए है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, इसमें हमने एक स्ट्रिंग पास की हुई है, मुझे सिर्फ सिंपल इसकी लेंथ फाइंड करनी है। या तो स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करनी है विद दी है, ये हमने यूज़ किया विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग। तो इसमें हमने लॉजिक लगाया है कि वही तब तक काउंट करते हो जब तक उसे नल ना मिल जाए। बट यहाँ पे हमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, बस इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये किसके अंदर बना हुआ है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर। तो इसको बस कॉल कर लिया strlen, देन उस भी जिसकी भी हमें लेंथ फाइंड करनी है उस स्ट्रिंग का नाम, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग इनिशियलाइज की हुई है तो हमें इसी की लेंथ फाइंड करनी थी। देन हमने उसको क्या करा है, कॉल किया। इसे प्रैक्टिकली करते हैं। वही चीज़ें जो हमने अभी करा है, सी इसमें एक स्ट्रिंग पास की हुई है, स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या क्या हो गया है, सी इज द मदर लैंग्वेज, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देन हमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, ऑलरेडी इस लाइब्रेरी को बस ऐड कर लिया एस टी आर लैन करके, इस एक ही स्ट्रिंग को क्या करा है हमने, फाइंड किया है। इसे रन करते हैं, देन आपकी लेंथ आ जाएगी 24। तो ये 1 2 3 मतलब हमारे बेसिकली स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्पेस को भी काउंट करेगा। तो ये स्पेस के साथ इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई है, 24। तो इस तरीके से हमने जैसे लास्ट में कवर किया था उसमें हमने विदाउट यूजिंग किया था स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, और इसमें हमने क्या करा है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ किया है। तो आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर अब मुझे इसमें कुछ अपर निकालना हो या लोअर, इस तरीके से हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बेसिकली अगर मुझे इस स्ट्रिंग की कुछ भी, हमें अभी तो हमने जैसे इसमें कवर किया है, हमने लेंथ फाइंड की है, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को ये मेरे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, मुझे इसे अपर में करना हो, हम वो भी कर सकते हैं। हमने परसेंटेज, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है परसेंटेज एस, देन तो क्या कर दिया उसने, स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ भी नहीं करना होता हमें, बस स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी ये बने हुए लॉजिक हैं, सिर्फ उनको वो ऑलरेडी स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर बने हुए हैं, उन्हें बस हम कॉल कर लेते हैं। आप चाहते हो पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, विद लॉजिक भी, विद लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ भी आते हैं और विदाउट भी आते हैं। तो आपको डिफरेंट स्ट्रिंग के हम फंक्शंस कर रहेंगे। बेसिकली अभी जैसे हमने करा है स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, अपर करना, इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास इसमें लोअर भी निकाल सकते हैं हम स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग है उनको आपस में कॉन्कनेक्ट भी करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट फंक्शन है जो हम आगे कवर करेंगे, अभी फिलहाल हम ज़्यादा फोकस करेंगे विद लॉजिक के ऊपर। तो बेसिकली हमने अभी जो किया है वो हमने लेंथ फाइंड की है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। नेक्स्ट, बेसिकली ये आपसे ये पूछा जाता है किस तरीके से काउंटिंग द नंबर ऑफ वोवल इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवल्स हैं। तो कई बार हमें लॉजिक भी कुछ लॉजिक है,
जो हमें लगाने होते हैं और कुछ ऑलरेडी बने हुए होते हैं। जो बने होते हैं उन्हें हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जो हम अपने लिए खुद लॉजिक लगा रहे हैं तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बेसिकली इसमें हम कोई फंक्शंस तो नहीं लिया, हम खुद एक लॉजिक लगा रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाहते हैं जो मैंने एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ तो उसमें कितने मेरे वोवल्स हैं और कितने मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। बट अभी स्ट्रिंग में हमने क्या है, जो वाला प्रोग्राम दिखा रहा है इसमें हम ये फाइंड कर रहे हैं कि इसमें मेरे वोवल्स क्या हैं, तो कौन कौन से मेरे वोवल्स हैं, उन कितने वोवल्स हैं। मतलब जैसे एक हमने स्ट्रिंग दी है, हमने लिया है एस, इसके अंदर हमने दिया है नाइलिट, तो आई इक्वल टू जीरो और हमने एक लिया है काउंट आई। तो हमने बेसिकली क्या है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग हमारी यूज़ होती है एज ए एरे फॉर्म और जो हमारे स्टार्ट होता है जीरो से, तो इसलिए हमने ये एज ए इंडेक्स के रूप में से यूज़ करेंगे आई को। तो हमने आई इक्वल टू जीरो लिया है, काउंट इक्वल टू जीरो, ये किस कब तक फाइंड करेगा, जब तक हमने एक लूप लगा रखा है आई तब तक हमारा क्या होता रहेगा, जब तक उसे कोई भी स्ट्रिंग मिलती रहे। तो बेसिकली हमने क्या करा है, इसे हम दो तरीकों से करेंगे स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए। जैसे अभी हमने, जैसे इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे आई लेस देन, क्योंकि हमने स्ट्रिंग का साइज कितना दे रखा है 11 और यहाँ पे कितना दे रखा है हमने, यहाँ भी 11। इसे हम दो तरीके से करेंगे, एक तो करेंगे जहाँ पे हमने साइज दिया है और एक हम करेंगे नल के साथ। बट अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे विद दिस साइज, जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं ये हमारी मर्जी होती है हम साइज यहाँ पे दें या ना दें। फिलहाल हमने नाइलिट दे रखा है, इसके अंदर हमने एक साइज दे दिया है। तो बेसिकली वाइल आई लेस देन कितना है 11 अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद बोला इफ, क्योंकि हमारे वोवल्स कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इस स्ट्रिंग में जब तक मुझे ए ई आई ओ यू वाले कुछ भी वोवल्स मिलते हैं तो उसको ये काउंट करता रहे। तो यहाँ पे नाइलिट है, तो बेसिकली हमने एक स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है, हमने क्या बोला है एस जीरो, एस जीरो पे क्या उसे, यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ प्रैक्टिकली से, लास्ट हमारा इसमें 6 ये हमारा होता है नल, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल हमारा लेता है। तो अगर अब इसमें हम चलते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या, आई इक्वल टू जीरो है, काउंट मेरा कितना भी जीरो है आई, तो मीन्स ये मेरा एक तरीके से स्ट्रिंग हमने बना रखी है। यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं ये मेरी एस है, ये मेरी एस स्ट्रिंग है और ये मेरा इंडेक्स नंबर है आई। तो बेसिकली क्या हो रहा है एस आई, एस आई का मतलब ये वाली, इसको तो हम एस बोल रहे हैं, इसको हम आई बोल रहे हैं, ये आई से डिनोट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर को और स्ट्रिंग को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एस आई पे क्या मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह से आई लेस देन 11 जब तक काउंट करता रहेगा, तो एस आई, एस आई अभी मेरा आई कितना है जीरो ही है, ठीक है। तो जीरो पे मुझे क्या ए मिला है, नहीं, हमारे पास क्या है एन। तो यहाँ पे फिर क्योंकि हमने ये कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर में अगर मुझे किसी भी, कोई भी, और में मतलब होता है किसी पे भी, मतलब यहाँ पे एंड नहीं है, और ऑपरेटर में किसी भी कंडीशन में मुझे अगर इनमें से एक मिल जाता है तो काउंट को क्या कर देंगे हम, उसमें एक वैल्यू ऐड कर देंगे। तो क्या मुझे जीरो इंडेक्स पे ए मिला, नहीं। क्या है जीरो इंडेक्स पे मुझे ई मिला, नहीं। आई मिला है, हमें तो एन मिला हुआ है, यू भी नहीं है ए, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नहीं। काउंट कितना रहा यहाँ, काउंट मेरा यहाँ पे जीरो ही रहा, तो अभी काउंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जीरो ही है। तो बट जैसे इसके अंदर गया, बट आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, आई मेरा कितना था जीरो, तो अब आई मेरा कितना हो गया है 1। अब ऊपर जाएंगे तो क्योंकि लूप है, क्योंकि अभी आई की कंडीशन मेरी क्या है 11 से छोटा ही है, तो फिर ये दोबारा से काउंट करेगा क्योंकि हमने लूप लगाया हुआ है। तो आई प्लस प्लस तो हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, 1 मेरे 11 से लेस है, यस लेस है, तो फिर वो अंदर जाएगा। अब एस वन, मतलब एस वन, एस वन मेरा ये है, ठीक है, अब ये है उस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा हो गया एस वन इंडेक्स, क्योंकि ये मेरा आई वाली वैल्यू है, ये नीचे वाली जो नाइलिट लिखा हुआ है ये मेरी एस वाली वैल्यू है। एस वन पे मुझे क्या ए मिला है, नहीं। एस वन पे मुझे ई है, नहीं। एस वन पे मुझे क्या, मेरे पास क्या आई है, यस आई है। तो
एस आई पे यू है, मतलब आगे वो चेक तो करेगा बट उसे ऑलरेडी एस वन पे इनमें से कोई भी अगर मिल जाता है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाती है, वन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब मेरा काउंट जीरो था, जीरो से मेरा काउंट अब कितना हो गया है, यहाँ पे काउंट हो गया है मेरा वन। अब फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू अब मेरे पास कितनी हो गई, वन से मेरे पास हो गई आई की वैल्यू टू। अब फिर ऊपर जाएगा, टू मेरा लेस देन 11 है, कंडीशन ट्रू है। फिर जाते हैं अब एस टू पे, एस टू पे मुझे पहले इसमें क्या लिखा हो, ए, नहीं ए तो नहीं है, बट एस टू पे मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई है ना, तो ई तो है। अब इनमें से एस टू पे, क्योंकि एस टू पे मुझे इनमें से कोई भी मिल जाए तो हमारे काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो काउंट मेरा यहाँ पे क्या होगा, अगेन मेरे पास काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, काउंट कितना हो गया टू। अब फिर दोबारा आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन जैसे हो गया तो आई मेरे पास कितना हो गया थ्री। फिर ऊपर जाएंगे, थ्री थ्री लेस देन 11 है, कंडीशन ट्रू है। फिर चलते हैं एस थ्री पे, हमें क्या, एस थ्री में इनमें से कोई भी वैल्यू है, नहीं, एस थ्री पे तो मेरे पास एल है तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी बट आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई कितना हो जाएगा, आई मेरा थ्री से हो जाएगा फोर। फोर पे जाते हैं, कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है, ट्रू है, तो इनमें से एस फोर पे मेरे को क्या मिल रहा है, एस फोर में इनमें से कोई है, हाँ एस फोर में इनमें से आई है, तो जब भी इनमें से एक मिलेगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये टू से अब काउंट कितना हो गया थ्री। तो अब इस तरीके से अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी फोर से फाइव। अब ऊपर जाएंगे, फाइव लेस देन 11 है, हाँ यस 11 है, तो ऊपर चलते हैं अब एस फाइव पे क्या इनमें से कोई वैल्यू है, ना ए ई आई ओ नहीं है, तो काउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बट आई की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे जाते हैं, ये हो गया मेरा सिक्स, सिक्स कंडीशन मेरी ट्रू है, यस ट्रू है, तो एस सिक्स पे, अब जैसे हमने एस फोर एस फाइव हो गया था, एस सिक्स पे ऑलरेडी हमें क्या मिल गया है, नल, बट ये करता रहेगा कि हमने ये 11 तक ला दिया है बट ये हमारी स्ट्रिंग तो यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है, तो अब हमारे पास जब कितना है तो ये इनमें से कुछ भी हमारी वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी। अब आई मेरे पास कितना हो गया है, मेरा काउंट कितना हो गया है थ्री, अगर इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा थ्री, ठीक है, तो काउंट मेरा कितना देगा थ्री। तो इस तरीके से हम वोवल्स निकालते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। बट अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब मैं जो सेम एडिटेड लिखा हुआ प्रोग्राम से मैं रन करती हूँ तो मेरा आउटपुट जीरो आएगा, मतलब ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, अगर टर्बो पे करते हो, अगर मैं कोड ब्लॉक पे करती हूँ तो मतलब जीरो आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि मैंने नाइलिट जो लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और जो मैं स्ट्रिंग फाइंड कर रही हूँ मैंने यहाँ स्मॉल लेटर लिखे हैं, तो मेरा प्रोग्राम तो गलत नहीं है बट अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मेरी यहाँ पे ये ब्लैंक स्क्रीन आएगी टर्बो पे, अगर मैं इसे कोड ब्लॉक में रन करती हूँ जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे यहाँ पे तो हम जो कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ए ये स्मॉल लेटर से, जबकि लिखा हुआ स्ट्रिंग में क्या है आपने कैपिटल लेटर, तो जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर से फाइंड कर रहे हो तो वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे दुबह अगर मैं इसे और ऑपरेटर लगा के यहाँ पे कैपिटल लेटर के साथ कर दूँ तो ये मेरे को क्या कर देगा, चाहे मैं स्मॉल में लिखूँ चाहे मैं कैपिटल में लिखूँ दोनों से ये क्या कर देगा, ये कंपेयर कर देगा। बट आपने यहाँ कैपिटल लेटर लिखा है और आप कंपेयर कर रहे हो स्मॉल लेटर से, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपका आउटपुट यहाँ पे जीरो आएगा। अगर मैंने यहाँ स्मॉल लेटर भी चाहती हूँ और कैपिटल, तो मुझे और भी और ऑपरेटर लगा के उसे कैपिटल लेटर में करना होगा। वो किस तरीके से, जैसे मैं बता देती हूँ, आपको लिखना होगा इस तरीके से एस आई, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर, फिर और ऑपरेटर, फिर एस आई, यहाँ पे आपको करना होगा कैपिटल ई। तो आप इस तरीके से करोगे, मतलब और इसी ब्रैकेट के आगे, मतलब आगे यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको एक और ऑपरेटर लगा के और ये स्ट्रिंग को इस तरीके से और भी आप यहाँ पे जैसे कैपिटल लेटर के साथ कंपेयर कर लोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। बट अगर अभी जैसे मैंने लिखा है इसमें प्रैक्टिकली दिखा था कि क्लियर हो जाएगी चीज़ें किस तरीके से चल रही है, अगर कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल होने चाहिए, अगर स्मॉल है तो ऊपर भी स्मॉल होने चाहिए। जैसे देखिए इस प्रोग्राम में सेम वही करा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दूँ,
तो यहाँ पे क्या गया था, नंबर ऑफ वोवल इज जीरो, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया और यहाँ पे मैं कंपेयर करवा रही हूँ स्मॉल से, बट अगर मैं इसे स्मॉल लेटर में ही कर दूँ तो ये मेरा करेक्ट दे देगा। अगर मैं चाहती हूँ चाहे मैं कैपिटल में लिखूँ और स्मॉल में लेटर लिखूँ तो मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी होगी, कहाँ पे, यहाँ पे, मैं वो भी बता दूँगी किस तरीके से करना है। तो कितने बता दिए उसने, नंबर ऑफ वोवल थ्री, क्योंकि हमने अभी देखा था काउंट कितना आया था, थ्री, क्योंकि हम यहाँ पे किसको काउंट प्रिंट करवा रहे हैं, काउंट को ही। तो ऑलरेडी ये आपने अभी, मैंने इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया और मैंने इसे समझा भी दिया किस तरीके से करना है। अब मैं चाहती हूँ चाहे मैं कैपिटल में लिखूँ चाहे स्मॉल में, ये दोनों को सपोर्ट करें। जैसे मैं यहाँ पर लिखा था कैपिटल में, तो आपको बस इतना करना है, इसमें आपको कंडीशंस देनी होगी। मैं करके दिखा देती हूँ इसको, आप कर लेना आगे। ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया एस आई इक्वल टू ए, और ये ले लेते हैं एस स्मॉल में, जैसे लिखा है हमने स्ट्रिंग एस, यहाँ पे ले लिया आई इक्वल टू, अब हमने यहाँ ले लिया कैपिटल में ई इस तरीके से, देन हमने यहाँ ऑपरेटर ले लिया एस, और यहाँ पे हमने करना है कैपिटल में आई, कैप्स लॉक ऑन आई, ठीक है, इस तरीके से। आप और भी हमें जैसे ये लगाना है, अब हम करते हैं एस आई इक्वल, अब हमने यहाँ पे कर दिया है आई ए ही ले गया, ई भी ले लिया आई, हाँ अब हमें करना है ओ, फिर दोबारा से हमें ऑपरेटर एस आई इक्वल और यू देन ब्रैकेट क्लोज। तो अब चाहे हम कैपिटल के लिए करें चाहे स्मॉल के लिए, ये सबके लिए रन करेगा। अच्छा, अब हमने क्या गड़बड़ की है, कहीं पे हमने कुछ मिस कर दिया, ठीक है, ये हमने एस आई इक्वल टू, हमने कहीं पे कोई ब्रैकेट तो मिस नहीं की है, हमने यहाँ पे सबको डबल इक्वल नहीं लगाया है, सिट इक्वल। इसे आप सही कर लीजिए, एस आई इक्वल टू, हमने यहाँ पे ध्यान रखना डबल, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें डबल इक्वल का लगाना होता है। अब हमने यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर एस आई स्मॉल आई ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है आई, फिर अगेन, क्योंकि फिर ये ध्यान रखना है हमने यहाँ पे फिर वो इक्वल डबल इक्वल जरूर लगाना है हमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें करना होगा ई, ये हम कर चुके हैं एडमिन आई, फिर अगेन एस
आई, फिर अगेन इक्वल, क्योंकि हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमें डबल लगाने हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी गड़बड़ गलती की थी, आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर वैल्यू नहीं असाइन कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल ऑपरेटर आता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे यू, फिर अगेन ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया है, द नंबर ऑफ वोवल्स 3। तो इस तरीके से आप चाहे कैपिटल में अगर दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, तो अब यहाँ पे मैं चाहे स्मॉल भी लिख दूंगी तो भी ये क्या कर देगा, मुझे कंपेयर कर लेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चाहे कैपिटल में स्मॉल में, तो आपको बस इस तरीके से ये यूज करना है। तो आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें नंबर ऑफ वोवल्स और फाइंड करने होते हैं, बट हमें बस कंपेयर करने के लिए हमें सारी कंडीशन में स्मॉल भी देना होगा और कैपिटल भी। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने वोवल्स के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की है। तो अभी जो मैंने किया था, तो इसमें हमने आई लगा के यहाँ पे साइज दिया था। अगर आप इसको हम, क्योंकि बेसिकली हमें पता है स्ट्रिंग कहाँ पे एंड होती है, जहाँ पे मुझे नल मिलता है, तो ये अब इससे क्या है, स्पेस बार बार क्योंकि लूप में ही चलता जा रहा, लूप हमें कहाँ पे हमने देना पड़ रहा साइज। तो अगर हम साइज देना नहीं चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें बस आई की कंडीशन वहाँ तक चलानी होगी जब तक उसे नल ना मिल जाए। बस आपको यहाँ पे लिखना है वाइल एस आई, क्योंकि बेसिकली स्ट्रिंग का ऐसे पता चल जाता है जहाँ पे मेरी स्ट्रिंग नल होती है ये तब तक काउंट करता रहेगा। तो हमें बस यहाँ पे लगाना है एस आई नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करता रहे ये फाइंड कर दे, जब भी उसे ए आई बोवर्स मिलता है तो काउंट की वैल्यू क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। क्योंकि लास्ट में अब जैसे हिंदुस्तान है, तो इसके अंदर अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे जीरो इंडेक्स होगा। अगर मैं इसको लेके चलती हूँ किस तरीके से होगा, ये मेरी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में हमेशा स्ट्रिंग में नल होता है 9। तो ये काउंट करेगा सबसे पहले S0 इंडेक्स पे, इनमें से कुछ कोई है नहीं है तो काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ी। तो अगर S1 इंडेक्स पे इनमें से कोई है, हाँ है, तो आई काउंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, काउंट की वैल्यू मेरे पास अगेन यहाँ पे कितनी हो गई है, काउंट की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है अब 0 से 1। फिर S2 पे इनमें से है, नहीं है, S3 पे इनमें से है, नहीं, S4 पे है, तो S4 पे मुझे क्या मिला, काउंट यू मिला। तो जब भी इनमें से कोई मिलता है तो काउंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट। तो अब काउंट 1 से कितना हो गया, काउंट अब मेरा हो चुका है 2। फिर अगर अब S5 पे चलते हैं, क्योंकि ये कब तक चलता है, जब तक उसे नल ना मिल जाए लूप में, इसलिए आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो अगर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती है, ऑलरेडी मैं जैसे लास्ट स्लाइड में मैं कवर किया था, तो आई की वैल्यू क्या करके आता है, मुझे यहाँ पे क्या मिला, S5 पे है इनमें से, नहीं, 6, आई की वैल्यू तो बढ़ रही है बट काउंट नहीं बढ़ा ना। अब आई कितना हो गया, 6, S6 पे इनमें से है, नहीं, S7 पे इनमें से है, हाँ, यस, तो काउंट की वैल्यू बढ़ती है, जब भी इनमें से मिलता है तो काउंट की वैल्यू बढ़ती है। काउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3। आई कितना हो जाएगा मेरा, 8, आई 8 पे मुझे इनमें से है, नहीं, अब कितना हो गया, आई मेरा हो जाएगा 9। ये मेरा क्या नल है, हाँ, जैसे मुझे नल होगा आगे का काम मुझे नहीं करेगा, तो काउंट मेरा कितना हो गया, 3। तो मेरा ये काउंट कितना प्रिंट कर देगा, 3। आई होप ये क्लियर हो गया किस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे या तो साइज दे देते हैं जैसा हमने लास्ट स्लाइड में किया था, इसमें हमने क्या दिया था, साइज दिया था, और या फिर हम इसे नल देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा एंड होती है नल पॉइंट पे। आई होप अब ये क्लियर हो गया किस तरीके से हम स्ट्रिंग की हमें वोवल्स वगैरह फाइंड कर। ये प्रोग्राम पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है और ये आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये करना है। तो अभी हमने जो ये करा है फाइंड की है वोवल स्ट्रिंग के अंदर। मुझे अब स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग को जो मुझे रिवर्स करना है, तो ये स्ट्रिंग रिवर्स करने का है लॉजिक, एक तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और एक करते हैं विद लॉजिक, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम स्ट्रिंग को कर लेते हैं।
अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो सीधा बहुत आसान है, उसको आप क्या कर सकते हो, सीधा कॉल कर सकते हो। अगर हम फंक्शंस के थ्रू करते हैं तो बहुत ईजी है, दिखा देते हैं किस तरीके से करना हो। जैसे हमने उसमें क्या था, अपर किया था, अब बस इसमें मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग रिवर्स को बस कॉल कर लेना। अब मैंने को क्या करा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को जब भी मुझे रिवर्स करना है तो बस क्या, स्ट्रिंग रिवर्स को हम बस कॉल कर लेंगे। हमने बस ये किया str रिवर्स, ये पूरी स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो क्या हो गया हमारी, यहाँ पे हमने लेंथ लिखा, उसने लेंथ लिखा आ रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग पूरी की पूरी क्या हो गई है, रिवर्स। लैंग्वेज इसको ये उल्टा लिख दिया, ई जी ए इंग्वल हो गया, मदर का हो गया रैदम, तो रहदम हो गया, इसका हो गया टी ई टी एच, इसका क्या हो गया एस आई, और ये सी तो सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हमने विद दी हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लाइब्रेरी और स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शंस के थ्रू किया है, बट अगर इसे मुझे लॉजिक के साथ करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो ये अभी जो हमने किया है, ये तो हमने करा है विद दी हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको बोलते हैं str रिवर्स। तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी के प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें हमें कोई लॉजिक लगाया, ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, इन्हें बस हम कॉल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमने स्ट्रिंग रिवर्स को किस तरीके से कॉल किया हुआ है। बट अब हमें स्ट्रिंग फंक्शन करना है यूजिंग द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग द स्ट्रिंग फंक्शन। तो बेसिकली सबसे पहले हमने एक यूजर से क्या करवा रहे हैं, स्ट्रिंग डलवा रहे हैं, जैसे प्रिंट एफ करके ऑलरेडी हमने आई ले रखा है, एक एन ले रखा है, आई तो बेसिकली हमने क्या है लूप के लिए ले रखा है, और एन हम बेसिकली लेंथ वगैरह फाइंड करने के लिए करते हैं, या कोई भी स्ट्रिंग की जितनी भी जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने काउंट करना, क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली पीछे तब तक जाएगा तब तक जब तक मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक आई लिया, एक एन, हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है, यूजर से स्ट्रिंग डलवा रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी ये गेटस पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट में स्ट्रिंग में कवर करवाया था कि गेटस किस लिए यूज़ करते हैं और स्कैनएफ किस लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यूजर से स्ट्रिंग डलवा ली, अब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ऑलरेडी हम ये वाला तो हम लाइब्रेरी फंक्शन से कर रहे हैं, हमने क्या करा है str len, सिर्फ लेंथ निकालने के लिए इस स्ट्रिंग जो हमने यूजर को डलवाई है उसकी लेंथ किस में निकाल दी है, n। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला है हीना, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ है हमारे पास 5, तो ये इसके n की वैल्यू कितनी हो गई, मेरे पास लेंथ की फाइंड n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो अब हमें इसे स्ट्रिंग को लॉजिक के साथ रिवर्स करना है, तो i इक्वल टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग हमें पीछे से फाइंड करनी है, और क्योंकि स्ट्रिंग जो भी है हमारे पास जैसे स्टार्ट होता है ये 0 से होता है, तो इसलिए हमने n माइनस 1 से करा। तो आप क्या करेगा, एंड कब तक जाएगा, जब तक उसको 0 ना मिल जाए। किस तरीके से, अगर आपने यहाँ पे लिखा है ही ना, तो 0 1 2 3 4, और ये मेरा स्ट्रिंग हमेशा, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या होता है मेरा, नल होता है, तो इसीलिए हमने क्या करा है, तो अभी इसकी लेंथ कितनी है, str की लेंथ हमारे पास कितनी है, 5। तो n की वैल्यू, क्योंकि हमने क्यों क्या है, ये लेंथ फाइंड कर ली, लेंथ में कितना दे रहा है वो, n इक्वल टू दे रहा है मुझे 5, ठीक है, तो 5 दे रहा है। तो हमने क्या करा है, i इक्वल टू n माइनस 1, तो 5 i इक्वल टू माइनस 1 कितना हो गया मेरा, हो गया है यहाँ पे 4। तो 4 मेरा ग्रेटर देन 0, यस 0 है, तो उसने क्या करा, परसेंटेज सी करके हमने str फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देन क्या प्रिंट करेगा वो, a, फिर अगेन, अब क्योंकि हमने डिक्रीमेंट किया, अब आई कितना हो गया है हमारे पास, 3 हो गया है, अब 3 हो गया, 3 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो 3 इंडेक्स पे उसे क्या मिला, n। तो अब उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, n, फिर इसके बाद हमारे डिक्रीमेंट ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, फिर ये क्या प्रिंट कर देगा, e, फिर i कितना हो गया, 1, ये कर देगा, यहाँ पे कितना हो गया, 0, तो ये कितना प्रिंट कर दिया, यहाँ पे कर दिया उसने h। तो अभी जैसे ये कह रहा हमारे पास, हमें यहीं से जब तक यहीं तक लेके जाना था, आगे हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, आगे की ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, जब तक उसे 0 के कॉल ना मिल जाए तब तक वो कर, उसे जैसे 0 मिलेगा कंडीशन मेरी क्या हो गई है, फॉल्स। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर हम आगे डिक्रीमेंट करते तो वो माइनस 1 हो जाता है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, यहीं पे मेरा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो इस तरीके से इसने वैल्यू को क्या कर दिया है, रिवर्स में प्रिंट कर दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स में करते हैं।
तो ये बेसिकली स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी, जैसे लेंथ निकालना, कॉपी करना, कैट, कंपेयर, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर, जो अभी तक हम लेंथ कर चुके हैं, हम लोअर कर चुके हैं, अपर कर चुके हैं और हमने रिवर्स भी कर लिया है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, कॉपी, कैट एंड कंपेयर, बट अभी हमने लेंथ, लोअर, अपर, रिवर्स, ये सब हमने यूज़ कर चुके हैं। तो बेसिकली लेंथ की फाइंड करने के लिए ये ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया है आप लोगों को। अब क्या, अभी हमने जो लेंथ निकाली थी, जैसे हमने ये वाला फंक्शन किया था, इसमें हमने जो स्ट्रिंग फंक्शन था उसकी लेंथ हमने विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी किया था, ठीक है, और बट उसको रिवर्स कर लिया था। ये हमने किया था किसके थ्रू, ये हमने रिवर्स कर दिया था अपने लॉजिक को लगा के। बट अब मैं लेंथ भी और मैं उस स्ट्रिंग को रिवर्स भी कराएंगे लॉजिक के थ्रू। यहाँ पे जो हमने लेंथ ही हमने लाइब्रेरी के थ्रू किया है, बट हमें विदाउट लाइब्रेरी के थ्रू करना है। तो देन हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग को यूज से पास कराएंगे और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे। सेम वही लॉजिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया था, किस तरीके से लेंथ फाइंड करते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें तब तक फाइंड करें जब तक उसे नल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे अब हमने यूजर लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं किया है, हमने खुद निकाला है। तो यहाँ पे आई की क्या वैल्यू है, जीरो। जब तक मुझे यूजर से मैंने कोई भी स्ट्रिंग डलवाई, लाइक अभी जैसे डलवाया था हमने क्या कि हमने डलवाई थी वैल्यू यहाँ पे ही ना, तो जीरो इंडेक्स 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ पे मुझे हमेशा क्या मिला, नल, ठीक है। तो हमने क्या करा, आई इक्वल टू जीरो, एस जीरो इंडेक्स पे क्या उसे नल है, नहीं, एच है, यहाँ पे उसे क्या मिला, उसे नल नहीं मिला। तो क्या होगा, आई नल, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, उसको जीरो, फिर इसके बाद आई मेरा कितना हो गया, वन, उसे क्या मिला है यहाँ पे, ई, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गया, अगेन वन, फिर आई कितना हो गया यहाँ पे, टू, टू पे क्या उसे नल मिला, नहीं, तो ये कितना हो गया, आई की वैल्यू टू, फिर आई मेरे पास कितना हो गया, थ्री, थ्री पे उसे नल मिला, नहीं, लेंथ कितनी हो गई, थ्री, तो आई अब यहाँ पे कितना हो गया है, फोर, फोर पे उसे नल मिला, नहीं, तो आई मेरा कितना हो गया यहाँ पे, फोर, आगे उसे आई इक्वल टू कितना हो गया, फाइव, फाइव पे उसे नल मिला, यस, नल मिला। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, फाइव, बट जैसे आई इक्वल टू सिक्स होगा कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसे अब क्या मिल चुका है, क्योंकि आई फिफ्थ पे ही उसे नल मिल गया था, तो आगे का ये काउंट नहीं करेगा। तो इसकी लेंथ कितनी निकल गई हमारे पास, हमने आई कितना निकाला, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, फाइव, ठीक है। अब देन मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए हमने क्या लिया, एक एन ले रखा है, एन कहाँ तक चलेगा, आई माइनस वन, मतलब कितना हो गया, फोर, तो फोर मेरा ग्रेटर देन जीरो है, यस, जीरो है, तो क्या करेगा, एस, एस में, एस फोर पे जो भी मेरी वैल्यू है, क्या है, एस फोर पे मेरे पास वैल्यू है ए, ये ए प्रिंट करेगा, फिर एन कितना हो जाएगा मेरे पास, थ्री, कंडीशन अब मुझे क्या मिला यहाँ पे, एन, एस थ्री पे, फिर इसके बाद मेरे पास एस टू हो जाएगा, इस पर मुझे क्या मिला, ई, एस वन पे मुझे क्या मिला, ई, इस तरीके से अब मेरा कितना हो गया है, जीरो, जीरो पे मुझे क्या मिला है, एच, ए एन डबल ई एच, ये रिवर्स होके इस तरीके से हो गया। बट आई अब मेरी यहाँ पे कितना हो जाएगा कि मेरी कंडीशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अब मेरी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, तो आगे का ये काम नहीं करेगा और ये मेरी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिवर्स। इसे प्रैक्टिकली कर लेते हैं, से प्रैक्टिकली करने पे हमें क्या करना है, सेम ऑलरेडी वही जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था, वही इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने इनिशियलाइज की हुई है यहाँ पे इसको, इंटरेस्टिंग कुछ भी डलवा लेते हैं, जैसे मैंने डलवाया टेस्ट, तो क्या कर दिया उसने, पहले तो लेंथ निकाली, लेंथ कितनी आ गई, फोर, अब इसका रिवर्स करते तो टी एस ई सेट, टी सेट हो गया।
तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी एंड विदाउट लाइब्रेरी। तो हमने पहले उस पहले में जब किया था तो हमने लाइब्रेरी को हमने क्या किया था, लेंथ को हमने फंक्शंस के थ्रू हमने उसकी लेंथ फाइंड करी, देन हमने ये लॉजिक लगाया क्या कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमने जहाँ पे स्ट्रिंग मेरी ख़त्म हो रही है देन उस स्ट्रिंग को लास्ट इंडेक्स से माइनस वन करके जीरो तक लेके जाना है, देन एक एक करके हमने इसकी वैल्यू को क्या करा दिया है, प्रिंट। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू स्ट्रिंग टॉपिक। आई होप सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।